वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और रिएक्शन करने लगी हूँ मैंने, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच पे रिएक्शन नहीं किया था, जो कि जीता था इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मुझसे पता नहीं कैसे मिस हो गया कि मैंने रोहित शर्मा की इतनी एपिक परफॉर्मेंस जो है वो देखी नहीं। सो फाइनली मैं देखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सुना है रोहित शर्मा ने बहुत ही ज़्यादा स्कोर किए हैं, बहुत अच्छा खेला है रोहित शर्मा का। जो एक तरह से कम बैक बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है वर्ल्ड कप 2023 में, और मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। देखते हैं अफगानिस्तान और इंडिया का। इसके अलावा विराट कोहली और निवेदन हक का भी जो चल रहा है वो भी मे बी कुछ उसका भी है इस वीडियो में। सो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो ज़रूर कर लें, एंड जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं और चेक करते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो मज़े की होगी, क्योंकि हर मैच में इंडिया का कोई ना कोई क्रिकेटर, इंडिया का कोई ना कोई प्लेयर ऐसा कमाल कर जाता है कि वो फिर उसको मतलब देखना ही पड़ता है कि मतलब हर दफ़ा अलग अलग क्रिकेटर की तरफ से कोई ना कोई कमाल हो रहा है इंडिया का। मैं प्रिडिक्शंस भी चेक कर रही थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, मज़ा आ रहा है वैसे वर्ल्ड कप में। जल्दी से वीडियो को प्ले कर लेते हैं। आई थिंक ये वीडियो मज़े की है, सो लेट्स प्ले इट। भारत वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में भारत ने बहुत ही बड़े अंतर से ये मैच अपने नाम किया है। इस मैच में रो सुपरहिट शर्मा की सिक्स हिटिंग की पारी भी दिखी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड हाँ काफी बनाए। रोहित शर्मा का वो अंदाज दिखा जिसे फैंस मिस कर रहे थे। उन्होंने 84 गेंदों में 131 रनों की सुपरसोनिक पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 5 छक्के शामिल है, जिसके बाद क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं। सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले दुनिया के पहले प्लेयर भी पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे को हक किए और एक दूसरे को स्माइल किए, जिसे अच्छा, पूरे रियली? अपने कैमरे से कैप्चर किया। चलो जी, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सारी। अफगानिस्तान ने इतना किया था। अच्छा कोहली ने भी 55 किया, 50 से ज्यादा ही कोहली का भी होता है हमेशा। रोहित शर्मा ने तो कमाल किया यार। इंडिया की टीम इज गेटिंग बेटर एवरी डे। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। किंग वर्सेस मैंगो। मैंगो अच्छा, नवीनुल हक को मैंगो कौन कहता है? हिटमैन इज बैक। वाह वाह वाह, छक्के चौके और सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला दुनिया का क्रिकेटर बन गया रोहित शर्मा यार। एग्रेशन, ये एग्रेशन भी मैंने सुना है ना अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में, कि वो दोस्ती हो गई है उनकी, दुश्मनी से दोस्ती तक का सफर पता नहीं कैसे हुआ, वो तो वो दोनों ही जानते होंगे। अच्छा नवीनुल हक वहाँ खड़ा है और सब कोहली कोहली कर रहे हैं। आईपीएल में इनकी लड़ाई हुई थी, आई थिंक कोहली की गौतम गंभीर से भी और नवीनुल हक से भी, दोनों सही लास्ट आईपीएल में। कैप्टन से हटाया जाए रोहित शर्मा को, कोई काम की नहीं है रोहित शर्मा, बट रोहित शर्मा सीरियसली थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है जो कप्तान। अब यही लोग रोहित शर्मा की तारीफें कर रहे होंगे। यार ये तो अच्छा एक रिकॉर्ड बना है यार, ये तो अच्छा, बहुत मजा आया देख के सबसे ज्यादा सिक्सेस वाले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट और रोहित की जोड़ी भी बड़ी अच्छी है यार, दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। Don't mess with Kohli.
पता नहीं लास्ट आईपीएल में हुआ क्या था कि इतनी लड़ाइयां हो गई थी। बट बुमराह 39/4, हार्दिक पांड्या 43/2। अच्छा तो ये तीनों हीरो थे इस मैच के, बुमराह, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा एंड कोहली, एवरीवन आई थिंक सो। रोहित शर्मा ने लगाई रिकॉर्ड की छड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 556। वाओ, वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा के लिए एक लाइक तो बनता है। जहां पूरे हिंदुस्तान को 15 अक्टूबर का इंतजार है, जिस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा, वहीं हम आरसीबी वालों को 11 अक्टूबर का इंतजार है, जिस दिन इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच होगा। वो क्या है ना, कुछ पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। आई थिंक वही नवीनुल हक और विराट कोहली वाला, लेकिन वो तो दोस्ती हो गई यार, ये तो मुझे अच्छा लगा है सुन के। हिट मैन है, फिर हिट पे हिट तो देगा। कॉल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। व्हाट अ कमबैक। अच्छा लास्ट मैच में हाँ, रोहित शर्मा आउट हो गए थे जल्दी, बट अब वो सारा बदला जो है ना, वो अब सारी फॉर्म इकट्ठे ही वापस आ गई है। विराट कोहली कमाल है यार, इंडियन क्रिकेट टीम तो अच्छी से अच्छी होती जा रही है, और जो नए अब यंग प्लेयर्स आ रहे हैं बीच में, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और इस वर्ल्ड कप पे तो सबकी प्रेडिक्शंस में इंडिया जरूर शामिल है। हिट मैन फॉर अ रीजन। और ये दोस्ती, ये वाली जो उनकी बॉन्डिंग है दोनों की, दोनों को बहुत लोग मिस करने वाले, ऐसे बहुत एडिट बनते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती दोनों में से ज्यादा अच्छा क्रिकेटर कौन सा है, रोहित शर्मा विराट कोहली में कंपैरिजन बहुत मुश्किल है। विराट कोहली और नवीन उलहक के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, एंड इस चीज के ऊपर नवीन उलहक भी रिएक्ट किए। जी गाइस, कल था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, जहां पर हम लोगों को ये वंडरफुल मोमेंट, अच्छा लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, हग ईच अदर, एंड लोगों को ये मोमेंट काफी होलसम लगा। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लड़ाई होगी, बट नहीं हुआ, उसका अपोजिट हो गया। बट नॉट ओनली दिस, जब दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट हो गया था, तब भी क्राउड नवीन उलहक के अगेंस्ट थोड़ा सा चांस वगैरह लगा रहे थे, तो विराट कोहली ने रिक्वेस्ट किया क्राउड से कि ऐसा ना करने को, आप ये वीडियो में देख सकते हो। एंड इवन आफ्टर द मैच दोनों के बीच में एक फन कन्वर्सेशन भी हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर नवीन उलहक भी रिएक्ट करते हुए कहे, विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम दोनों ने हाथ मिलाया एंड जो भी वो फील्ड पे ही रह गया, हम दोनों ने हाथ मिलाकर बोला लेट्स फिनिश दिस। बहुत अच्छी बात है यार, अच्छा लगा देख के, वो बिग बॉस की लड़ाइयों की तरह खींचा नहीं गया इस लड़ाई को। बींग मैच्योर, उन्होंने मैच्योरली हैंडल कर ली है सिचुएशन। रोहित शर्मा, सब लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, रोहित शर्मा रिकॉर्ड तोड़ते हैं। लेकिन हमारी जगह लेगा कौन? यार इन दोनों को सब लोग मिस करने वाले हैं, अगर ये रिटायर्ड हो गए, पर अभी काफी टाइम है। तो ये बहुत ही मजे की वीडियो थी, मुझे लग रहा था अच्छी होने वाली है। सो मुझे पता था कि चलो रोहित शर्मा ने सेंचुरी की होगी, लेकिन इतना अच्छा स्कोर अभी इतने कम बॉल्स में, वाओ दिस इज ह्यूज। और कोई रिकॉर्ड भी बनाया है कि सबसे ज्यादा सिक्सेस वाला रिकॉर्ड बनाया कि रोहित शर्मा के हो गए हैं, लाइक
दिस इज अमेजिंग। और इसके अलावा एक और मजे की चीज जो कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, वो ये था कि विराट कोहली और डिवीजुल हक की जो दोस्ती हो गई है, दुश्मनी से दोस्ती कैसे हुई है पता नहीं, आई थिंक तब जब IPL में लड़ाई हुई थी उसके बाद ये दोनों की अभी बात हुई होगी और दोनों ने बहुत ही मेच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है और चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। सो बहुत अच्छा लगा ये भी देखकर। सो अच्छा था सब कुछ। अफगानिस्तान 272 स्कोर पे थे और रोहित शर्मा एंड बुमराह ने इतनी अच्छी बॉलिंग की। यार मुझे बुमराह पे रिएक्शन करना है, मैं देखना चाहती हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा उनको। सो मुझे बहुत सजेशंस हैं इन पर और रिएक्शन करने के लिए, सो मैं बहुत जल्द इन पर रिएक्शन करने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।